हाँ जी, हम उत्सव बंगला कल्चरल सोसाइटी बठिंडा की तरफ से, हम लोग सारे फैमिली मेंबर्स, बंगाली फैमिली मेंबर्स यहाँ पंजाब में जो बसिंदा हैं वो लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोगों का जो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक के साथ जो हिंसा, हाँ, जो लूटपाट, रेप जैसे जो हालत है, अभी अभी का जो रिपोर्ट है कि करीब 400 कातिल हो चुके हैं, जिसमें 250-300 हिंदुओं की है। हम ये नहीं कहते कि हिंदू है, बस अल्पसंख्यक का बात करो, उनको सुरक्षा के लिए हमें सब लोग मिल के, हमें एक प्रयार है, भगवान से प्रार्थना है, अपने भारत सरकार से विनती है कि इनको जल्दी से जल्दी जितना मदद किया जाए, सरकार आगे आए और सारे पार्टी सब लोग अपना भेदभाव छोड़ के इनको सपोर्ट करें। इनको इस हालत में बहुत ज़्यादा दुख सहना हो रहा है। और फ्रॉम बिहाफ ऑफ UBCS, उत्सव बंगला कल्चरल सोसाइटी, वी ऑल बंगालीज इन पंजाब अपील टू द गवर्नमेंट टू इमीडिएटली रेंडर ऑल हेल्प विदाउट एनी डिले। देयर आर मास किलिंग्स, पुलिस स्टेशन आर विदाउट एनी पुलिस, सो एंड देयर नो FIR कैन बी फाइल्ड। सो इट्स ए रिक्वेस्ट एंड ए प्रेयर टू ऑल। भारत एंड सरकार से आप कैसे मदद चाहते हैं? हम मदद चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उनको सुरक्षा दिया जाए, उनको जिनको लाना है भारत सरकार को। भारत सरकार अभी अफगानिस्तान में जब हालात खराब हुआ, वहाँ से हमारे सिख भाइयों को लाया गया है। जब बाहर कोई और भी सिचुएशन है, बाहर से उनको लाया जाता है। जिन जिनको हालत खराब है उनको लाना है, जिनको मदद पहुँचाना है, भारत सरकार पॉलिटिकल प्रेशर, अमेरिका, चाइना, जहाँ भी, हम पॉलिटिकल नहीं करते, ये सोसाइटी पॉलिटिकल नहीं है, हम तो बस इंसानियत है। इंसानियत खातिर जो भी कर सकते हैं, सारे लोग जागरूक हो मदद के लिए और हम प्रयार ही कर सकते हैं उनके लिए। तो यही हमारा अपील है सबके साथ, सब जन जनता के साथ, भारत सरकार के कारण। मैं प्रशांत कुमार साधु, ऐसे मैं साधु सैन नाम से ही लोग जानते हैं मेरे को, ठीक है। तो मैं इसी सोसाइटी का एक मेंबर हूँ। मैं ये कहने चाहता हूँ, जी देखिए, एक आज बहुत बड़ी महत्व उद्देश्य का कार्य उद्देश्य ही ये हम सब एकत्रित हुए हैं। आपको सभी को पता है, लास्ट 15 दिन 1 महीना जो स्थिति बांग्लादेश में हो रहा है, इसका असर सारा दुनिया में पड़ रहा है, ठीक है। बांग्लादेश में जो है, जिसको हम बोलते हैं मास किलिंग जैसे हो रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का चेंज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है जी आम आदमी को मारना पड़ेगा। आम आदमी को ना मार के भी तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी सरकार इसको कर सकता है। तो इंडिया का साथ, भारत के साथ बांग्लादेश का जो संबंध है, ये एक बहुत लंबा, क्योंकि वो तो हमारा ही थे पहले। आप सोच के देखिए, एक ऐसे ही तो थे, फिर बंटवारा का थ्रू अलग हो गया। तो जो हिंदू परिवार है, जो बांग्ला भाषी है, वहाँ सारे लोग बांग्ला ही बोलता है। तो हिंदू हो जाए, मुस्लिम हो जाए, कोई भी हो जाए, तो वैसे भी जब देखो हमारा सेम मातृभाषा है दोनों का, एक तो हमारा भी तो दुख लगता है, मन में पेन होता है कि नहीं। तुसी देखो, सोच के हमारा पंजाब में इस तरह का कोई स्थिति होता तो सारा भी बहुत ज़्यादा वो फीलिंग होता है। तो ऐसे बांग्लादेश में जो हो रहा है, भारत सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नज़रअंदाजी करें, इसको दखलदारी करें, ये क्यों ऐसे हो रहा है, इसको इमीडिएट इसको स्टॉप करना चाहिए। क्योंकि वहाँ हमने जनगणना का अनुसार देखे तो ज़्यादा का ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो एक प्रजाति है, जो एक जाति समूह है, एक हिंदू का जो है वो बहुत ही कॉम है, 7.95%। और भी ये कम हो जाएंगे तो वो तो वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट तो किसी का नहीं है कि कोई प्रजाति, कोई जाति को विलुप्त कर दे, ठीक है। विलुप्त कहते हैं मंदिर डिस्ट्रॉय हो रहा है, चलो ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है मंदिर को तोड़ देना, कोई बिल्डिंग जिससे लोगों का घर में लूट हो रहा है, आग लगा दिया जा रहा है, जो बहुत पुराना पुराना लाइब्रेरी है उसको खत्म कर दिया गया, म्यूजियम को खत्म कर दिया जा रहा है, जो स्टैचू लगा गया गया 1971 में जब बांग्लादेश स्वाधीन हुआ था, उस टाइम पर बांग्लादेश को ढाका को सजाया गया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। आज सुबह सगर भटिंडा सिटी का इस तरह का कोई करे तो उनके क्या महसूस होगा, अच्छा लगेगा, इसी ढंग से अच्छा नहीं लगेंगे। तो ऐसे चीज होना नहीं चाहिए। और जो मार जो हो रहा है, किलिंग जो हो रहा है, वो देखा जा रहा है कि हिंदू परिवार का तरफ ज्यादा हो। ये देखिए, जब मास का किलिंग होता है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख बा कोई बौद्ध धर्म ये से कुछ नहीं होता, लेकिन होता तो है, लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि हिंदू परिवार के ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर वगैरह हो रहा है। तो मानुष के ऊपर ऐसे अत्याचार करना पॉलिटिकल परिवर्तन के लिए ये ठीक नहीं है। तो
तो भारत सरकार, पंजाब सरकार, सारा जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको हम अपनी सोसाइटी का तरफ से अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है जे ये सारे चीज़ को स्टॉप करने के लिए जो भी ऑफिशियल कार्रवाई किया जाए मानवता खातिर में, उसको डिले न करके जितना जल्दी किया जाए। जो प्रोसेस गवर्नमेंट का होता है, फॉरेन पॉलिसीज होता है हमारा, आप पता अपने मन मर्जी कुछ नहीं कर सकते, पॉलिसीज होता है उसके अकॉर्डिंग टू वो चीज़ शामिल करना चाहिए। यही मैं मेनली कहना चाहता हूँ, यही उद्देश्य में हम आज इकट्ठा हुए हैं, यही मैसेज मैं प्रधान मीडिया के माध्यम से भी देना चाहता हूँ, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहता हूँ, सरकार को देना चाहता हूँ, दोनों सरकार को, पंजाब सरकार को एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना देना चाहता हूँ, मेरे साथ सरकार को भी देना चाहता हूँ, विरोधी जो पार्टी है हमारा कांग्रेस को है उनको भी देने चाहता है। लेकिन हम लोग कोई पॉलिटिकल नहीं, हमारा एक कल्चरल सोसाइटी है, लेकिन हमारा मन में ये चीज आया, ये चीज होना चाहिए हमारे तरफ से, इसीलिए हम लोग इस सिद्धांत पे पहुंच गया। ठीक है, नहीं ये तो हमने शुरुआत और भी पहले करना चाहिए था, लेकिन हमारा कोई कारण में हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि सभी का कोई ना कोई बिजी शेड्यूल होता। ठीक है, लेकिन तब भी हमने आज अपने सारे काम को छोड़ के बंद करके मैसेज दे के कि नहीं करना है ये काम, आज यही काम करना है, हमें यही काम आज करना है, इसी कारण इकट्ठा हुआ, क्योंकि यही मैसेज मैं चाहता हूँ जल्दी का जल्दी सभी मीडिया के थ्रू पहुंच जाए सरकार की तरफ, यही है विनती है, आवेदन है आपका। ठीक है जी, धन्यवाद आप लोग को सभी को। मेरा नाम एस के दास है, मैं बंगला कल्चरल सोसाइटी की तरफ से बोल रहा हूँ। हमारा यहाँ पे एक छोटा सा सोसाइटी है जो बंगला कल्चरल सोसाइटी के नाम से चलाते हैं, जिसमें जितना हमारा बंगाली परिवार है वो सारे इनके मेंबर हैं, तो हम सुख दुख में साथ होते हैं। तो पीछे कुछ दिनों से हम जो बांग्लादेश में हालात को देख रहे हैं उसमें हमारा दिल छलनी हो जाता है, वहाँ पे इतना बुरी तरह से हिंदू और कम्युनिटी जो क्या बोलते हैं उसको माइनॉरिटी, उनको पर इतना बुरी तरह से अटैक हो रहा है। गवर्नमेंट चेंज होना है नहीं होना उनका बात है, पर हिंदू कम्युनिटी पे या माइनॉरिटी में अटैक क्यों हो रहा है, ये हमारा बांग्लादेश गवर्नमेंट से भी अपील है, इसको इमीडिएट तुरंत के तुरंत बंद किया जाए, और हम भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे इस पे ध्यान दिया जाए। जो हमारा ऑपोजिशन पार्टी है, हम लोग किसी पार्टी से ये नहीं है, और हमारा जो ऑपोजिशन पार्टी है जो भी पार्टी का हो उनसे भी अपील करते हैं सारे मिलजुल के इसका एक समाधान निकाला जाए, और वहाँ पे जो कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का, घर लूटा जा रहा है, मंदिरों में आग लगाया जा रहा है, इस्कॉन मंदिर जला दिया गया, सारे लाइब्रेरी जला दिया गया, वो स्टैचू तोड़ दिया जा रहा है, बाप के सामने बेटी का बलात्कार किया जा रहा है, बहन का सामने क्या नाम है माँ का बलात्कार किया जा रहा है, ये सब बंद होना चाहिए इमीडिएट। और इतना बुरी तरह से मारा जा रहा है उनको, चुन चुन के कि हिंदू है कि नहीं चेक कर करके मारा जा रहा है, पूछ पूछ के, और हर घर पे टारगेट किया जा रहा है, सारे घर लूट लिया जा रहा है, तो ऐसे वहाँ पे हिंदू कैसे रहेंगे। इसीलिए भारत सरकार से हमारे यही अपील है कि भारत सरकार इस पर ध्यान रखे, और हमारा जो हिंदू भाई हैं वहाँ पे उनका सुरक्षा का ध्यान दे, चाहे यहाँ लाना हो चाहे वहाँ सुरक्षित देना हो, जो भी हो करे। और जो दूसरे पार्टी हैं उनसे भी मैं अपील करूँगा सारे मिलजुल के इस पर एक्शन लिया जाए, और खास करके बांग्लादेश सरकार से हमारा अपील है इसको तुरंत के तुरंत बंद किया जाए। अगर वो बंद नहीं करते हैं फिर तो हम भारत सरकार से बोलेंगे आपको जो कुछ कर सकते हैं आप अपने तरफ से कीजिए, पर इसको बंद इमीडिएट होना चाहिए, और बाकी सभी से हम अनुरोध करेंगे सारे इकट्ठा होकर इसका प्रोटेस्ट किया जाए और इसको कंडेम भी किया जाए साथ के, हम तो कंडेम करते ही हैं। मैं सुनीता रॉय है, मैं उत्तर बंगला फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मैं ये बात बताना चाहती हूँ जो बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है एक के बाद एक उसको ध्यान करे गवर्नमेंट, उनके पुकार सुने और जल्द से जल्द एक्शन ले, और ये दुआ है भगवान से जो उन लोगों को हिम्मत दे, वहाँ के लोगों को बांग्लादेश के लोगों को हिम्मत दे जो कठिनाई अब आ रहा है उसको सामना करें। वो वीडियो देख के तो सबका दर्द मतलब सहन दिल दहलाने है उसको, मतलब सहना देखना हम लोग के लिए मतलब
सहन दिल से सहन हम लोग सहन नहीं कर सक रहे, दिल को बहुत दुखा रहे। चटर्जी है, मैं उत्सव बांग्ला कल्चरल सोसाइटी की मेंबर हूँ। और ये जो बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के प्रति, उसमें मैं बहुत इसके लिए काफ़ी खेद है मुझे, और मैं चाहती हूँ कि उन लोगों का कुछ अच्छा उत्थान हो, कुछ उन लोगों का अच्छा जस्टिस मिले। भारत सरकार से भी मुझे यही अपील है कि उनके लिए आप कुछ कीजिए। और ये काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी बर्बरतापूर्ण है जो स्थिति अभी चल रही है बांग्लादेश में, काफ़ी दर्दनाक है। स्पेशली जो हिंदू हैं वहाँ पर, इतनी बुरी तरह से वो अभी वहाँ पर हो रही है, उन लोग के प्रति अत्याचार हो रहा है, वो काफ़ी दर्दनाक है। जो हम लोग को दिल दहलाने वाली जो है ना, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि हम लोग को कितनी तकलीफ हो रही है, तो सोचिए कि वहाँ जो है हिंदू, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी ये इस घटना की वजह से। तो मैं भारत सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर ये संभव हो, या तो उन लोग के लिए कुछ किया जाए, या तो उनका ये जो शोषण हो रहा है उन लोग के प्रति, वो उसके लिए कुछ एक्शन या स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। নমস্কার, আমি অনুশ্রী, ইউবিএসসির একজন মেম্বার আমি। এখন বাংলাদেশে যা জিনিসগুলো চলছে সেগুলো দেখে আমরা সকলেই ভীষণ আহত। যেই সব জিনিসগুলো আমরা ফিল করিনি যখন আমাদের দেশ আজাদ হয়েছিল, সেই সময় বাংলাদেশ যখন ভাগ হয়েছিল, সেই সময় কত লোক এখান থেকে ওখানে চলে গেছিল, কত লোককে মেরে ফেলা হয়েছিল, সেগুলো আমাদের বাবা জেঠু ঠাকুমাদের থেকে শুনেছি, আমরা সেগুলো শুনে বড় হয়েছি। কিন্তু এখন যেসব ভিডিওগুলো আমরা দেখছি, তাতে দেখে আমাদের এটাই মনে হচ্ছে যে ভাগ্যিস আমরা সেই সময় দেখিনি সেটা, এখন আমাদের পুরো গায়ে কাঁটা দিয়ে দেয়। মনে হয় গিয়ে তাদেরকে বাঁচিয়ে আসে, কিছু একটা করুন, ঠাকুরের কাছে আমরা শুধু প্রার্থনা করতে পারি, কিন্তু ওখানে যারা আছে তারা ঠাকুরের কাছেও যেতে পারছে না। কেন মন্দিরে গিয়ে মন্দিরে ঠাকুর নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে, ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, ওখানে পণ্ডিতরা ঠাকুরকে বাঁচাচ্ছে, ঠাকুর ওদেরকে বাঁচাতে পারছে না। তাই জন্য আমরা সবাই কাছ থেকে সবিনয় নিবেদন করছি যে যত পারুন ঠাকুর ডাকুন, যেই ঠাকুরকে আপনারা মানেন তাদেরকে ডাকুন, এবং আমাদের ভারত সরকার থেকে নিবেদন করুন সকলে নিজের তরফ থেকে যে এই নৃশংস হত্যা বন্ধ করা হোক, আর সবাই যেন নিজের মা বাবা পরিবারের সাথে সুস্থভাবে থাকতে পারে। হিন্দু মুসলমান পরে, আগে আমরা মানুষ, মানুষটাকে বোঝা উচিত যে আমাদের মধ্যে একই রক্ত লাল, কারোর গায়ে অন্য কোনো রক্ত নেই। সুতরাং ওই লাল রক্ত, ওই একই মায়ের সন্তান নিজেদেরকে ভেবে এই নৃশংস হত্যা বন্ধ করা উচিত। ধন্যবাদ। মেরে নাম অসীমা সাধু, মাই ইউবিএসসি সোসাইটি কা মেম্বার হ্যাঁ, ভটিন্ডা মে প্লাস 30 ইয়ার্স মে হ্যাঁ, অ্যান্ড মাই সেন্ট জেভিয়ার্স সেকেন্ডারি স্কুল কা প্লাস 1 প্লাস 2 কা হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি টিচার হ্যাঁ, ওহাঁ পে ভি লাস্ট 27 ইয়ার্স মে পড়া রহা হ্যাঁ, सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बांग्लादेश में देखिए, इंडिया होता है सबसे नज़दीक प्रतिवेशी, बांग्लादेश को ऑल टाइम्स इंडिया ने हेल्प किया। हिस्ट्री का पेज आप देखोगे तो 1970 वॉर, इंडिया जो वॉर हुए थे बांग्लादेश, इंडिया के हेल्प के लिए वो बांग्लादेश बने थे, इंडिया गवर्नमेंट का हेल्प के लिए वो आजकल ये बांग्लादेश बने थे। बिकॉज उस टाइम जो पूर्व पाकिस्तान था वो लोग बहुत शोषित हो रहा था, ठीक है, एट दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट हेल्प किया था। अभी सेम सिचुएशन हो रहा है, चाहे पार्टीशन नहीं है बट अगेंस्ट अगेंस्ट माइनॉरिटी, तो वहाँ का वहाँ पे भी नॉट ओनली हिंदूज आर देयर, वहाँ पे बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, अदर पीपल्स आर देयर। तो टारगेट होता है वहाँ पे माइनॉरिटीज, गवर्नमेंट चीज तो अलग चीज है, ठीक है ना, बट टारगेट इज द माइनॉरिटी, उसको तुरंत रोकना चाहिए एट एनी कॉस्ट, फ्रॉम द बांग्लादेश गवर्नमेंट, फ्रॉम द एंड इंडियन गवर्नमेंट, तुरंत ही एक्शन ले जितने जल्दी हो सकता है, पीपल शुड बी सेफ देयर।